नमस्कार दोस्तों, ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 का रेड कलर। इसमें ड्रम और डिस्क दो वेरिएंट मिलते हैं। आप देख रहे हैं सुपर स्प्लेंडर का ड्रम वेरिएंट। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी माइलेज कितनी है, इसकी ऑन रोड कीमत कितनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का विंडशील्ड का ग्लास मिल जाता है, जिसके ऊपर हीरो का 3D में लोगो दिया है, और नीचे की साइड में आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है, और इसके वाइजर के साइड में आपको जो है गोल्डन, ब्लैक और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको नॉर्मल बल्ब के साथ नॉन फ्लेक्सिबल टाइप के इंडिकेटर मिल जाते हैं, और इसमें आपको जो है हेडलैम्प में आपको जो है 35 वाट का बल्ब दिया है, जैसा कि आप इसकी रोशनी को देख सकते हो यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों इसके नीचे की साइड में। तो यहाँ पर आपको रेड कलर का ग्लॉसी फिनिश में फ्रंट वाला मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल टोन कलर में दिया गया है, और यहाँ पर आपको जो है IBS का लोगो मिल जाता है। इसमें आपको जो है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इसकी फ्रंट और रियर की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है इस बाइक के लिए। और यहाँ पर आपको मीटर केबल और मीटर गिरारी का सेटअप मिल जाता है, और इसका फ्रंट वाला टायर का साइज है 80/18। इसमें आपको जो है TBS कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो इसमें आपको जो है फुली एनालॉग टाइप का मीटर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। मैं इसकी चाबी को ऑन कर देता हूं, तो यहां से आप इसकी स्पीड को देख सकते हो। यहां पर आपको इकोनॉमी जोन, और यहां पर आपको जो है गियर न्यूट्रल लाइट, यहाँ पर आपको इंजन माल फंक्शन लाइट, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड, और यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो है I3S की इंडिकेशन लाइट मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है मेन हेडलाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको जो है फ्यूल मीटर मिल जाता है सेपरेट, और यहाँ पर आपको जो है क्रोम की हैंडल बार रॉड मिल जाती है, और यहाँ से आप इसके साइड मिरर को देख सकते हो, काफ़ी क्लासिक लुक वाले साइड मिरर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच, और यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। अब चलते हैं इसके दूसरी साइड में। तो यहाँ पर आपको जो है I3S का स्विच मिल जाता है, जैसा कि ये I3S टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, और नीचे आपको जो है सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है। अब आप इसके साइड प्रोफाइल की तरफ से देखोगे तो इसका जो बॉडी कलर है वो डुअल टोन कलर में दिया गया है, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। अब चलते हैं दोस्तों इसके फ्यूल टैंक की तरफ। तो यहाँ पर आपको सुपर स्प्लेंडर का स्टिकर मिल जाता है, सिल्वर और गोल्डन कलर के ग्राफिक्स के साथ। अब आप इसके बैटरी पैनल की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको I3S की ब्रांडिंग मिल जाती है, और गोल्डन और रेड कलर के ग्राफिक्स की पट्टी यहाँ भी आपको देखने को मिल जाती है पीछे तक, और यहाँ पर आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है। और इसकी सीट की बात करें तो इसकी जो सीट की जो कुशनिंग है वो राइडर और पैसेंजर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके पीछे वाले टायर के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 90/90/18 का टायर साइज मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं TBS कंपनी के, और यहाँ पर आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, और इसमें आपको 130mm की ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है पीछे की साइड में, और यहाँ से आप इसकी टायर की ग्रिप को देख सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं इसके ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर आपको रेड कलर का ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ से दोस्तों आप इसकी टेल लैंप की डिज़ाइन को देख सकते हो, काफ़ी यूनिक सी डिज़ाइन मिल जाती है। इसमें आपको नॉर्मल बल्ब देखने को मिलता है, और साइड में भी आपको जो है नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे की साइड में आपको जो है रिफ्लेक्टर दिया गया है। अब दोस्तों चलते हैं इसके दूसरी साइड में। तो यहाँ से भी आप इसके लुक को देख सकते हो, यहाँ भी आपको हीरो की ब्रांडिंग और ग्राफिक्स की पट्टी मिल जाती है, यहाँ भी आपको I3S की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर भी आपको जो है सुपर स्प्लेंडर का स्टिकर मिल जाता है विद ग्राफिक्स के साथ, यहाँ भी आपको थोड़ी सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। और इसके पीछे की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको जो है एक ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड दिया है, और यहाँ पर आपको सस्पेंशन, और यहाँ से आप इसके जो है चैनसेट कवर को देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक का चैनसेट कवर दिया गया है, जो कि बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाता है पैसेंजर के लिए, और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और मैन स्टैंड मिल जाते हैं। इसके साइड स्टैंड के ऊपर एक सेंसर दिया गया है, और इसमें आपको 5 गियर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है इसका इंजन का जो कलर है वो ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में दिया गया है, और यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो इसमें दिया गया है 124.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC BX6 FI का इंजन,
इसकी मैक्सिमम पावर है 10.8 पीएस की 7500 आरपीएम पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 एनएम का 6000 आरपीएम पर। इसमें आपको मिलता है 5 स्पीड का गियर बॉक्स। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 12 लीटर की। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 एमएम का। इसका कर्व वेट है 123 केजी। अब दोस्तों चलते हैं इसके इंजन के दूसरी साइड में, तो यहाँ भी आपको जो है प्रोग्रामेड एफआई की ब्रांडिंग मिल जाती है, जैसा कि इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है। और यहाँ से आप इसके इंजन की डिज़ाइन को देख सकते हो, और यहाँ पर आपको जो है फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको जो है इंजन ऑयल कैप, और यहाँ पर किक स्टार्ट का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको जो है स्पार्क प्लग दिया गया है, और यहाँ पर इसके इंजन के हेड के ऊपर सेंसर दिया गया है, और इसके दूसरी तरफ भी आपको जो है ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है इसके इंजन के हेड के ऊपर। और यहाँ पर एक कैटेलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर एक मेटल की प्लेट दी गई है मजबूत। और यहाँ पर आपको ब्रेक पैड मिल जाता है, जैसा कि दोस्तों यहां से आप इसके इंजन की डिज़ाइन को देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव दी गई है। और यहां पर आपको सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी मेटल की जो है एक प्लेट सी मिल जाती है, और यहां पर आपको जो है क्रोम की फिनिश के साथ एक मेटल की प्लेट दी गई है इसके एग्जॉस्ट के ऊपर, जो कि काफ़ी शानदार लग रही है। और यहाँ से आप इसके पीछे की तरफ से एग्जॉस्ट को देखोगे तो काफ़ी चौड़ा और काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट इसका दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको इसके इंजन और इसके एग्जॉस्ट का आपको साउंड सुना देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी चाबी को स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं इसके जो है सेल्फ को दबाता हूँ। जैसा कि दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आपको जो है इसके इंजन का साउंड सुना देता हूँ। तो यहाँ से आप इसके जो है इंजन का साउंड को नोट कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों इसका जो इंजन है वो 125 सीसी का है, और इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिफाइंड इंजन माना जाता है सुपर स्प्लेंडर का। और यहाँ से अब आप इसके जो है एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन सकते हो। अब दोस्तों बात करें इसके माइलेज की, तो इसमें आपको 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा इस बाइक में, जैसा कि ये 125 सीसी की बाइक है। अब मैं बात करूँ इसके ऑन रोड प्राइस की, तो 90,550 रुपये इसके ड्रम वेरियंट का ऑन रोड प्राइस है। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है साइनोश्योर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। शोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस सुपर स्प्लेंडर का बता दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए आपके पास। मैं ऐसे ही नई नई बाइक की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।